Hello friends, myself Dr. Ritika Dua, dietitian in Ayurveda since 16 years. तो आज मैं आपको कीटो पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोग देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इस कीटो पिज़्ज़ा को निकाल लेते हैं और अब हम तवा गर्म करते हैं। जिन लोगों के पास ओटीजी है या माइक्रोवेव है वो उस पर भी बना सकते हैं, बट मुझे ये सबसे कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं ये गैस से बना रही हूँ। तो अब हम इसको जो है इससे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। एज यू कैन सी ये साइड से थोड़ा सा उठ रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये साइड से थोड़ा सा उठ रहा है। इन द मीन टाइम मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए हरा धनिया, कैप्सिकम, टमाटो, अनियन और घर पे बनी हुई ग्रीन चटनी, जिससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। आप टमाटो सॉस नहीं यूज़ कर सकते, मेयो या क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं नहीं करती, मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, देखिए थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है, यहाँ से भी, साइड से भी ये फूल चुका है और पीछे से भी थोड़ा सा पक चुका है। तो मैं ये बिल्कुल ऑयल फ्री बना रही हूँ। इसको फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर दिया। तो सी ये कुक हो चुका है तो अब हम इसको उतार लेंगे और हम इसको यहाँ रख लेंगे एक फ्लैट बेस पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे ग्रीन सॉस। तो सबसे पहले मैं इस पे ग्रीन सॉस लगा रही हूँ। ग्रीन सॉस आप अच्छे से खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिंट सॉस चटनी जो हम घर पे बनाते हैं। उसके बाद मैंने लिया है प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब इसको प्रॉपरली इवनली फैला दीजिए। तो अब मैं इसके ऊपर कैप्सिकम, आप लोग इसको सॉटे भी कर सकते हैं, बट हर एक का अपना टेस्ट होता है, मुझे ये ऐसा ही पसंद है तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी और मुझे ग्रिल करना पसंद नहीं है। और टमाटोज, और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे धनिया, गार्निश कर देंगे। इस पे आप नींबू भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। तो ये आपका हरा भरा कीटो पिज़्ज़ा बन गया है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कीटो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, अब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। आप लोग इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, जितने भी स्लाइसेस में आपको ये खाना है। राइट, तो इसकी स्लाइसिंग भी हो चुकी है गाइस। तो टिल देन आप ये कीटो पिज़्ज़ा इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।